और अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। मैं आशा करती हूँ आप सब हेल्दी स्वस्थ हो। मेरी हालत तो अभी आपको पता ही है कैसी चल रही है, एकदम ख़राब थी। मैं नहा ली, सुबह 7 बजे उठ गई थी, नींद खुल गई थी मेरी, नहाई और झाड़ू वगैरह निकाली, चाय पानी के बर्तन क्लीन करे, शिवाय का टिफिन पैक किया, मम्मी ने दे दिया था टिफिन। अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, प्रिंसी को संभालूंगी थोड़ा, उसके कपड़े भी नहीं ले यार भूल गई हूँ, जान नहीं से कैफे पिना देंगे, उनकी मंदिर की तैयारी हो गई। कहा है फिर से नहा रही नहा ली। अरे हाय मेरा छोन सारा है, उसको दूध पिला तो चल चलो। एवरीवन तो अभी टाइम हो रहा है 2:30, मैं सोई थी तो मेरे बच्चे ने मेरे को सोने नहीं दिया, खुद तो आधा घंटा सोया और मेरे को मेरे ऊपर बेड़िया पेट पे और खुद रहे ये देखो माता जी फेंक देगा बेन को। टीवी बंद कर पहले, तो मेरा सर दर्द कर रहा। हाँ नीचे बिठा दे, मैं पकड़ लूँगी, बिठा दे, सब लड़ाई झगड़े होना चालू यहाँ होना तो बच्चे परेशान करते, पर उसको तो मजा आती है। टीवी बंद कर रही तू, उधर से भी है बंद ही रहने दे अद्विक, जाने देना यार अद्विक, फुलाने दे तेरे को मारूंगी मैं पकड़ के। हाँ तो ऐसी चिल्ला छोड़, सिर दुख रहा है और भूख लगी है, तो मैं घर से मेरे लिए केला चिप्स और चकली लेके अब यहाँ बैठे बैठे खाऊंगी। मैं निकली हूँ थोड़ा धूप में बाहर, क्योंकि हो गई हूँ पूरी तरीके से गीली, है देखो मेरे कपड़े पूरे गीले हैं। भैया ने बलून चैलेंज किया तो मेरे को बिठा दिया, बोले कि बैठ, पहले मैं नहीं बोला, मतलब कि पहला नंबर मेरा, मैं फोड़ दूंगी। तो और भाई ने चीटिंग क्या की थी कि अंदर वाले बलून की जगह सेकंड नंबर के बलून में ही पानी डाल दिया था, तो सारा पानी मेरे ऊपर, मैंने एक हल्की सी ब्लेड की टोनी लगाई और वो सेकंड बलून फूट गया मेरे ऊपर, मतलब फर्स्ट बलून में ही पानी था, फर्स्ट बलून जो फूका था उसमें पूरा मेरे ऊपर आ गया, भीग गए। तो थोड़ा धूप में खड़ी होंगी तो अच्छा लगेगा, अंदर एसी और पंखा चल रहा है तो मतलब ठंड लग रही है बहुत, और अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, कल से ज़्यादा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, कल बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी मेरी तबीयत, अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं, अब नाइट में देखते हैं ज़्यादा तबीयत ख़राब होने वाली लग तो ये रहा है। गोले की घंटी बजी। एवरीवन तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और इधर बनाए मेरे लिए हलवा, आटे का हलवा, आजा लाडू तेको भी दूंगी, आजा बेटा चला नम नम दूंगी तो खाऊंगा। ये देखो पानी फेंक के लिए पापा थी, क्या कर रहा नहीं बदी कर गई खड़ी यहाँ पे, बता जाओ पुरानी फेंका तो। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैंने ड्रेस चेंज कर ली, वो गीली थी वाला सूट गीला था तो बहुत इचिंग हो रही थी मेरे को, एकदम अजीब सी खुजली चलने लग गई थी, तो बोला कि यार अब तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो लोअर टी शर्ट पहनी हूँ, अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है और सिर इतना चढ़ रहा है और पेट तो हद से ज़्यादा दर्द कर रहा है यार। और हाँ बहुत सी कमेंट्स आती थी कि
नेगेटिव भी आती थी पॉजिटिव भी आती थी कि दीदी आपका ब्लॉग अब बहुत छोटा आने लग गया है, धीरे धीरे देखना आपका एक मिनट का ब्लॉग आएगा या आएगा ही नहीं, ऐसी सारी कमेंट्स आती है। डियर आप भी कुछ समझो ज़रा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ और बेड रेस्ट है तो फिर कैसे शूट करना मैंने, फिर भी मैं उठ के आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ कि नहीं मेरे फैंस को मतलब ऐसा नहीं लगे कि दीदी ने ब्लॉग नहीं डाला। अगर मैं छोटा सा भी नहीं डालूंगी ना तो आप सबकी इतनी सारी कमेंट्स आई है दीदी आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, ब्लॉग क्यों नहीं आया, किसको किसको रिप्लाई दूंगी, इसलिए छोटा तो छोटा से ही मैं दे रही हूँ ब्लॉग आपको। उप ये तो गुस्से का इतना तेज है, प्रिंस ना इसको काट लेती है, मेरी टेंसी बहुत ज्यादा बदमाश है, काट लेती ना वैसे फटाफट देता है तो अभी दो तीन बार दे दी उसको। कह रहे मारे तो मत, इसको देखो फोन पे बातें चल रही है। काट हो गया कॉल, तू क्या लेके आ रही, तू क्या लेके आ रही, देखा वापस देखा नाना को, नाना कच्चा बनियान लेके। हे एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 10:05 और खाना हमारा हो गया है। मम्मी ने दाल बाटी बनी थी, थोड़ी सी बाटी खाई, मन ही नहीं हुआ खाने का मेरा, और इसको थोड़ी सी खिलाई है। अब इसके पापा का पता नहीं कब आते हैं क्योंकि ओपनिंग चल रही है, अभी एक जगह शॉप पे जा रहे हैं नाइट में, उनका कॉल आया बोले कि सामान ले जाओ, मैं शॉप खाली कर रहा हूँ, ये वहाँ जा रहे हैं सामान लेने के लिए, वहाँ से सामान लाएंगे, करेंगे, जमाएंगे, एक डेढ़ तो बज नहीं है। तो अभी मैं यहाँ सो रही थी, प्रिंसी देखो पूरा बिस्तर पसेर के सोई है, पूरा इसने कब्जा कर लिया, मैंने कहाँ सोना है। तो मैं इसको लेके उधर वाले बेड पे जाती हूँ, वहीं आराम से सोएंगे, शिवाय आएंगे कॉल कर देंगे तो मैं गेट खोल दूँगी। चल बेटे खड़े हो तो लाला, चलो उठो खड़े हो जाओ बेटा, चलो हाँ चलो उठो, गुड गर्ल गुड गर्ल, खड़े हो जाओ चलो। तो इसको मैं ले जाके सुला देती हूँ मेरे बेटे को, वो मेरा शेर आ गया रे, मेरा गब्बर आ गया रे, पूरे पंखा चल रहा फिर भी पसीने में गीला है मेरा गब्बर। तभी मैं इसको सुलाती हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तो अभी मैं सो रही थी तो मम्मी का फ़ोन आया, बोले खाना आ रहा है सोने के लिए, अकेली तेरी तबीयत का कोई ठिकाना नहीं है, कब खराब हो जाए क्या, तो शिवाय नहीं आते जब तक खाना सो जाएगा, तो बोला ठीक है पहुँचा दो। भाई साहब आए नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गया है, मेरी बेटी ऊपर बेड पे ऊपर अकेली सोई है, स्कूटी भी नहीं खाना सर ने रखी है, ठिकाने नहीं है भाई के, तो गेट टेक देती उसको बोल दूंगी लगा देना रे भाई तू गेट, चलो अच्छा है वो आ जाएगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, घर में कोई भले ही एक भी इंसान सोया भी रहता है ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत बेकार लगता है फिर अकेले सो।
जीभ अजीब सा लगता है। वो आ जाएगा टेंशन फ्री होकर, मैं भी सो जाऊंगी, वो भी सो जाएगा, उसका उसको अंदर वाले मैं इधर सुला दूंगी और हम अंदर। उसको भाई को बोल देना कि गेट ला।